أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। काशाने बसीरत के इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ सामईन कराम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैं आपकी रीडर ज़हरा अली आज एक इंतहाई ख़ूबसूरत इंतखाब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और ये इंतखाब है एक ऐसी ख़ूबसूरत किताब का कि जिसका उन्वान ऐसा है कि यकीनन हम सब की आरज़ू, हम सब की दिली मुराद और इंशाअल्लाह हम सब की मंजिल वही है, यानी जन्नत। इस किताब की रीडिंग की रिक्वेस्ट आप तमाम सामईन की जानिब से आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम की दी हुई तौफीक से आज सन 2023 के माह मुबारक रमज़ान की ये ख़ूबसूरत सुबह 23 रमज़ान, जो कि अभी हमने शब क़द्र गुजारी है, और नमाज़ फ़ज्र के बाद हम इस ख़ूबसूरत किताब का आगाज़ कर रहे हैं। इब्तिदाए गुफ्तगू में हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम जो कुछ भी पढ़ें उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा हमारे पढ़ने और हमारे सुनने को, और परवरदिगार हमें बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमा, इलाही आमीन। और हकीकी मायनों में जन्नत को हमारा मुकद्दर करार दे दे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पे अमल पैरा होते हुए हमारी ज़िंदगियां इस अंदाज़ से कामयाब हो जाएं कि हमारी तकदीर में तो जन्नत का बेहतरीन और आला वरफा मुकाम तहरीर फरमा दे। अब बग़ैर किसी तमहीद के मैं इस किताब को शुरू कर रही हूँ। ये किताब इंतहाई ख़ूबसूरत जिल्द के साथ मेरे हाथ में है, और सबसे पहले इसका एक मोटा गत्ता है, इसकी जो इसका जो सरवरक कहा जाए इस किताब का, ये एक मोटे गत्ते की और एक मज़बूत गत्ते की सूरत में है। और इस किताब का जो सरवरक है, सबसे जो मेन इसकी अपीयरेंस है, उसमें बहुत ख़ूबसूरत लाइट से कलर के फूल के ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बाग का समा है कि जिसमें सफ़ेद और सुर्ख और गुलाबी और येलो कलर के यानी पीले फूल नज़र आ रहे हैं, और पीछे से एक लाइट सी आती हुई महसूस हो रही है कि जैसे सूरज चमक रहा है, और आसमान भी इसमें हल्का सा वाज़े है, बहुत ज़्यादा खिलते हुए नहीं बल्कि बस लाइट से कलर्स हैं कि जिसमें इस ख़ूबसूरत मंज़र को कि जैसे कहीं पे धीमी धीमी रोशनी होती है फजर के बाद का एक ख़ूबसूरत सा मंज़र होता है, उसे आई थिंक इस ख़ूबसूरत तस्वीर में पेश करने की कोशिश की गई है। और जन्नत बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से तहरीर है, जन्नत लिखा हुआ है यानी किताब का नाम, और नीचे तहरीर है तालीफ़ के, तालीफ़ किसकी है वो है आयतुल्लाह शहीद सैयद दस्त ग़ैब शिराज़ी, और तर्जुमा किया है मौलाना रियाज़ हुसैन जाफरी साहब ने, और इदारा है मिनहाजुस्सालिहीन लाहौर। अब हम किताब को खोलते हैं, और पहला सुफ़ा इसका बिल्कुल प्लेन है, उसके बाद बाकायदा किताब के सुफ़ात शुरू हो रहे हैं, और सुफ़ात भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। सबसे पहले सुफ़े पे भी जिस तरह से अपीयरेंस पे लिखा हुआ था जन्नत, और उसके बाद मौलिफ और मुतरजिम का नाम और इदारे का नाम, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी तहरीर है, बस यहाँ पे इजाफी तौर पे इदारे का एड्रेस भी लिखा हुआ है, जिनार टाउन ठोकर नियाज बेग मुल्तान रोड लाहौर, फ़ोन नंबर 5425372। अच्छा, इसके बाद हम पेज पलटते हैं तो जुमला हुकूक
बेहक़ इदारा महफूज इसके बारे में तफसील है तहरीर, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने ये भी पढ़ देती हूँ। सबसे पहले नाम किताब जन्नत है, मुसन्निफ़ हैं आयतुल्ला सैयद दस्तगैब शिराज़ी, मुतरज्जिम है मौलाना रियाज हुसैन जाफरी, और प्रूफ रीडिंग है शेख खादिम हुसैन मौलवी ग़ुलाम हबीब, कंपोजिंग है इदारा मिन्हाजुस्सालिहीन लाहौर, अशात हुई है इसकी फरवरी 2003, यानी पूरे 20 साल इस किताब की अशात को हो चुके हैं। तादाद 1000, सुफहात 408 हैं, और हदिया है 150 रुपये के, जो अब यकीनन बढ़ चुका होगा और मिलने का पता वही है कि जो इससे पहले मैंने आपके सामने बयान किया। उसके बाद बाकायदा फहरिस्त का आगाज़ होता है और ये फहरिस्त भी आपके सामने पेश करती हूँ। मैं फहरिस्त में जो हेडिंग्स हैं वो पढ़ूँगी और उसके साथ उसका पेज नंबर भी मैं आपके सामने बयान करूँगी। तमन्नाए जन्नत 18, यानी सुफा नंबर 18, हुर्फे सपास 20, हुर्फे जन्नत 21 या हरफे जन्नत 21, मुकद्दमा 23, माद यानी ब्रैकेट में है क़यामत का क्यों इनकार किया जाता है 24, अकीदा क़यामत से खुद साजी और फिदाकारी का जज्बा पैदा होता है 26 या 26, क़यामत के बारे में उम्दा दलाइल 28, इस क़ुरान की कसम जिससे पाक दिलों के अलावा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता 29, दिल नशीं बातें 29, सूरह वाक़िया इलाज गफलत है पेज नंबर 31, नूर अफशानी और दोस्ती खुदा 31, क़ुर्बत अली अलैहिस्सलाम गफलत से दूरी का सबब है 32, गफलत उम्मुल अमराज है 32, सांप और मच्छर का डसा हुआ 34, तंग दस्ती का दूर होना 34, किरात के आदाब में शहीद सानी का फरमान 39, तरतील तसही और तानी से तिलावत करना 40, खुदा दिलों के राज बेहतर जानता है 41, हुजूर कल्ब क़िराअत का अदब 42, वो जवान जो आयत अज़ाब को सुनकर फौत हो गया 44, ज़ख्मी दिल के लिए लुत्फ़ इलाही मरहम है 45, ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम क़ुरान की मानिंद 46, सवाब और अमल कामिल 48, सही पढ़ना काफ़ी है 49, क़ुरान का गमगीन सूरत में पढ़ना खुशनूदी खुदा का बाइस है 50, अक़ल का क़ुरान से इदराकात अक़ली के ज़रिए बहरामंद होना 51, खुजू अक़ल पैदा होना 51, क़्यामत का हिसाब मुसलमानों के लिए है 52, दिल गाफिल मुआरज़े ख़तर में है 54, दिल गाफिल शैतान का शिकार है 58, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को बिलजहर अदा करना चाहिए 60, बिस्मिल्लाह हूरुल ऐन के लबों पर 61, बेटे का बिस्मिल्लाह पढ़ना और बाप को कब्र में फ़ायदा 62, फिरौन के अजाब में ताखिर का सबब 62, दागे ज़िंदगी 63, निशाने दागे बंदगी खुदाया दागे बंदगी शैतान 64, बिस्मिल्लाह में इस्म और अल्लाह का मतलब 66, कूदा बग़ैर बनाने वाले के नहीं बनता 67, रहमत खुदावंदी 68, खुदा की वहदानियत की गवाही तमाम आज़ा देते हैं 69, खुदा के बारे में अक्ल हैरान है 69, माबूद हकीकी सिर्फ खुदा है 70, शाहपरस्ती बशर के लिए 72, हश्याम बिन अब्दुल मलिक से ताऊस की गुफ्तगू 72, चंद लोगों पर सरदारी 75, खुदा की रहमत रहमानिया और रहीमिया 76, नबतात का शऊर 77, परिंदों को हवा महफूज रखती है 78, कोताह फिक्री 79, छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए होती हैं 79, दिलसोज बाप और नादान माँ 81, हैवानात की खुशी 82, बीमारी की बरकत से पौधों की हिकमत का इल्म होता है 83, तस्किया नफ्स बीमारी की सबसे बड़ी हिकमत 84, फ़िक्र मर्ज़ और मौत सरकशों को राम करते हैं 86, खुदा हमारी नाशुक्री को हिसाब में नहीं लाता 87, एक जवान कैसे बचा 88, रहमत रहीमिया मोमिनीन के लिए मखसूस है 89, रहमत रहीमिया दरअसल सिर्फ मोमिनीन के लिए है 91, रहमत बराए मोमिनीन का नमूना 91, तौबा रहमत हक
के दरवाज़े में से एक दरवाज़ा है 92, हुज्जत तमाम हो गई है 93, बुराई को अच्छाई में बदलना 94, शैतान का तौबा से रोकना 95, तौबा में ज़ुबान दिल की तर्जुमान तौबा में ज़ुबान दिल की तर्जुमान हो 96, क़यामत के मुख्तलिफ नाम बिनाए आसार 98, वाक़िया क्या है 98, क़यामत वाक़िया है 99, वक़ूए क़यामत में झूठ नहीं 100, पस्त और बुलंद करने वाला 101, खलीफा की मोहताजी 102, नेकियों के लिए गदाई 103, आज़ादाराने इमाम के लिए बशारत 104, क़यामत का सच्चा और नज़दीक होना 105, क़यामत की रोशनी तारीख दुनिया की नस्बत है 106, ज़माशरी का कौल और आयत की तफसीर 107, अम्र बिन माद यकरब का क़यामत के खौफ से कांपना 107, दुनिया की नस्बत क़यामत की इज़्ज़त और ज़िल्लत अहम तर है 108, दावेदार जलील होंगे 109, तीन ताइफों की हसरत 111, क़यामत का जलजिला पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करेगा 112, खुदाई चीज़ें बाकी रहेंगी 113, कुलैनी और बाबोया के बदन सही थे 114, क़यामत में तीन गिरोह 115, असाब यमीन कौन है 116, मुजरमीन की बदबख्ती 116, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अहमक से दूर हुए 117, मुर्दा दिल लोग गाफिल हैं 117, मौत के वक्त एक बुज़ुर्ग की गुफ्तगू 118, बड़े दुश्मन इनके करीब हैं 119, बेहिसाब बहिश्त में जाने वाले 120, बंदगी के मुल्तज़िम मुकर्रब खुदा हैं 120, इस उम्मत के साबिकीन के सरदार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम 121, शियाने अली साबिकीन में से हैं 122, हज़रत अली के बारे में इब्न अब्बास का कलाम 123, दोज़खी लोगों की तादाद 125, चुगलखोर की शक्ल बंदर की होगी 127, सूद खाने वाले क़यामत में सरनगू होंगे 128, इबादत में पेशकदमी करने वाले नस्बी साबिक होंगे 129, क्या कोई काम ना करें 133, कोशिश बराए मईशत इबादत है 133, मोमिन का दोस्त है 134, असाब यमीन का मददगार खुदा है 136, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरियाद रसी करना फजल खुदा है 137, मुहिब्बाने अहले बैत पर फजल खुदावंदी 138, साबिकीन का आखिर में क्यों जिक्र फरमाया 139, मुकर्रब खुदा होना बेहतरीन तारीफ है 140, क़ुर्ब मानवी है ना कि मादी 141, और खुदा के साथ गुफ्तगू 141, खुदा के अलावा जन्नती नेमात 142, पहले लोगों में साबिकीन ज़्यादा हैं 142, बहिश्त में जाने वाले मुसलमान दूसरी उम्मतों से ज़्यादा हैं 143, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना बेहतरीन ज़माना था 143, महाजरीन ने दुनिया को पसे पुश्त डाल दिया 144, हमारा ज़माना सबसे बदतर है 145, मोमिन को जन्नत में राहत सुकून होगा 146, मोमिनीन की आपस में मोहब्बत की लज्जत 148, अहले बैत के पड़ोस की नेमत 149, बहिश्ती नौकर कौन है 150, ये बहिश्ती खादिम कौन होंगे 151, बग़ैर दलील के कोई अजाब ना होगा 151, कमज़ोर लोगों की जगह आराफ है 152, बहिश्ती ज़रूफ़ 153, बहिश्ती शराब से सरदर्द और बेहोशी नहीं होगी 154, बहिश्ती मेवे और गोश्त 155, बहिश्त में मोमिन की ताकत 146, बहिश्त और बहिश्त के चाहने वाले 146, हूर बहिश्त में बेहतरीन सबब लज्जत है 158, सिक्के का पानी के ज़खीरे से झलकना 159, फजले खुदा बराए मोमिन 160, नेक बीवी का जमाल हूर से ज़्यादा होगा 161, हूर के बारे में सही मुकाशिफा 162, हूर की खुशबू मानिंदे बहिश्त के गुले सुर्ख के की इतर 163, मलाइका की खुशबू बहिश्ती खुशबू है 164, हूर की लज्जत सबसे ज़्यादा 166,
जमाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का तहम्मुल करना मुश्किल हो गया। 167 छुपे हुए मोती दरख्शां होते हैं। 168 नेक किरदार का नतीजा बहिश्ती नेमात। 168 साहिब यौम जजा खुदा का बड़ा वस्फ है। 171 बहिश्ती बुरी बातें नहीं सुनेंगे। 172 बहिश्ती लोगों का दुरूद शरीफ। 173 बहिश्ती लोगों का सलाम करना बुराई से रिहाई की नवीद। 174 बहिश्त में मोमिनीन मलाइका और खुदा का सलाम। 174 मोमिन की सल्तनत बहिश्त में। 178 लुत्फ़ खुदा से मारिफत का ज़्यादा होना। 177 पैगंबरान खुदा का बहिश्तियों को मेहमानी की दावत देना। 177 जुमे के दिन मेज़बान खुदा होगा। 178 असहाब यमीन के लिए साया हाय दरख्त और मेवे। 180 देरी के दरख्त का जिक्र क्यों। 182 वजह अव्वल। 182 छोटे और बड़े आदमी का मोमी जिक्र। 183 वजह दोयम। 183 सिदराए बहिश्ती और सिदरतुल मुंतहा। 183 वजह सोम। 183 साया अर्श और बलुत्फ़ खुदा बलुत्फ़ हक। 184 सात गिरोह साया रहमत के नीचे। 185 आब जारी सहरा नशीनों के लिए अहम है। 186 इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की नसरानी आलिम से गुफ्तगू। 186 बहिश्ती नेमात के मरातिब। 189 बहिश्ती औरतें कमाल अक्ल और कमाल जमाल वाली होंगी। 190 मोमिना औरतें अपने शोहरों का इंतखाब करेंगी। 191 जवान होकर बहिश्त जाएंगे। 191 बहिश्ती औरतें बाकरा और शोहर से मोहब्बत करने वाली होंगी। 192 हमसरान सिन में बराबर होंगी। 193 यमीन अली और असहाब यमीन इसके दोस्त हैं। 194 उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने की कोशिश करो। 197 अली का शिया गुनाह नहीं करता। 197 अम्मार का शिया अली होना। 199 शिया ने अली अलैहिस्सलाम के खवास। 201 अलामात शिया। 202 शिया ने अली गुनाहों से दूर भागते हैं। 202 इनके नज़दीक बुज़ुर्ग सिर्फ खुदा है। 203 वो लोग जो अपने से बदबीन होते हैं। 203 सलमान वक्त मौत क्यों रोता है। 204 दिन को खुश होते हैं रात को रोते हैं। 204 इल्म अखलाक को अपने ऊपर मुंतबक करें। 206 गुनाहों से डरें। 207 तारीफ से खुश ना हों। 208 मियाना रवि बेहतर है। 209 जज्बात काबू में रखते हैं। 210 शियाने अली से खैर की उम्मीद। 211 असाब शिमाल के लिए हवा और पानी गरम। 213 जहन्नुम में 3000 आग रोशन की गई। 214 जहन्नुम के अंगारे ऊंट बराबर हैं। 215 सांप के डर से गर्म पानी में पना लेंगे। 217 आयत अजाब से सहाबा कराम की परेशानी। 217 चेहरों को झुलसा देने वाला पानी। 219 लोग साई की तलाश में हैं। 220 दुनियावी लज्जतों का अंजाम। 221 दुनिया एक फरेब। 222 दुनिया की लज्जतों के बारे में गुफ्तगू। 222 नफ्स का असीर। 225 पैगंबर थोड़ी देर से बेदार हुए। 226 इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जवाब। 226 शराब तो हर शय को तशना रखता है। 227 दास्ताने इस्कंदर। 228 पहला गिरोह। 232 दूसरा गिरोह। 233 तीसरा गिरोह। 233 मुतरफीन और असहाब यमीन का वक्त मौत। 234 हारून और मिस्र की हुकूमत। 235 दर्जात बहिश्त तफज़ुल है इस्तेहकाक नहीं। 235 दो अनार उजरत 70 साल की इबादत। 236 झूठ कसम और बड़ा गुनाह है। 238 गुनाह सवेरा की तकरार। 240 तर्क तौबा इसरार गुनाह है। 241
शिर्क से महफूज रहना काफ़ी मुश्किल है। 242 मोमिन झूठी कसम नहीं खाता। 243 बदन की खाक से तश्कील। 244 पैगंबरों का मुर्दों को ज़िंदा करना क़यामत की दलील है। 244 इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक मोमिना को ज़िंदा करना। 246 एतराज़ मुनकरीन क़यामत। 247 पहली पैदाइश दोबारा ज़िंदा करने की बड़ी दलील है। 248 क़यामत का इल्म सिर्फ़ खुदा को है। 250 ज़क़ूम जहन्नुम जहन्नुम का सख्त डरावना और बदबूदार दरख्त है। 251 समंदर नामी जानदार आग के दरमियान। 252 भूख बहुत बड़ा अज़ाब है। 253 जाहिल का इनकार माकूल नहीं। 255 ज़क़ूम से जो तशनगी होगी इसको हमीम से दफ़ा करेंगे। 257 अबू ज़र की बहिश तो दौदख की हर वक्त फ़िक्र थी। 257 सदक़ा रोज़ा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहन्नुम से अमान नामे हैं। 259 जहन्नुमी की सदा का एक अंदाज। 261 ऊँट की तरह पियेंगे। 262 जहन्नुमियों की पहली मेहमानी ज़क़ूम और हमीम से होगी। 263 जहन्नुमी दोज़खी हैवानों की तरह मालिक रखते हैं। 264 किसने पैदा किया कौन दोबारा लाएगा। 264 गुफ्तार किरदार एक होना चाहिए। 265 मुफर्रद की जगह पर जमा का जिक्र। 265 तुम नुतफे को याद करो। 266 हड्डियों का मगज़ पेट्रोल की मानिंद है। 267 फ़ख्र राजी का कौल नुतफे के बारे में। 268 इंतखाब तबई। 269 मौत मखलूक होने की अलामत है। 270 अगर तू मखलूक है तो फिर क़यामत भी है। 271 एक हफ़्ता पहले का डूबा निजात पा गया। 272 मौत का वक्त क्यों मख्फी है। 273 कुदरत खुदा का ज़हूर और मौत का वक्त। 274 मौत अदम महज का नाम नहीं है। 276 मौत हयात दो वजूदी अम्र हैं और एक दूसरे का तजाद है। 277 मौत एक तवील और गहरी नींद है। 278 खुदा के लिए किसी किस्म की नातवानी नहीं। 280 तुम्हें नए आलम मिलाएंगे। 281 मौत रुश्द व कमाल का नाम है। 283 दूसरी वजह रहम मादर से इबरत है। 284 ख्वाब को मौत से ताबीर किया गया है। 284 अगर आखरत हक है। 287 मौत यानी ज़्यादा अहले बैत ज़ियारत अहले बैत। 288 दाना पैदा करना खुदा का काम है। 289 दाने की ज़मीन में हरकत कमाली। 290 ज़मीन को खाली ना रखें। 291 हिफाजत ज़रात का हुक्म। 293 बारिश का पानी बरकत वाला होता है। 294 बादल इरादा खुदा का पाबंद है। 295 फिरौन पर नील का पानी नागवार गुजरता है। 295 खैरक यानी तेरी भलाई। 296 सरसब दरख्त यानी लेकिन शोलावर। 299 दोजक की आग के मुतालिक रिवायत। 301 हज़रत इमाम मोहम्मद नकी अलैहिस्सलाम का याद दिलाना। 303 खुदा का अपनी मखलूक पर करम। 305 आतिश नफ्स बुझनी चाहिए। 305 आग के दरख्त मुसाफरों के लिए फ़ायदा। 305 खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की तस्बीह करो। 306 तस्बीह मुल्क सुलेमान अलैहिस्सलाम से बेहतर है। 307 तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 307 तस्बीहात अरबा के असरात। 308 तस्बीह किया करो। 310 हकीकी सुबहानअल्लाह का सवाब। 312 अली की ज़ुबान से तस्बीह के मायने। 312 सरदार के सरमाए से नौकर की खुशी। 314 कसम ताकीद मतलब के लिए। 315 मसनूआत खुदाए अज़ीम है। 316 सितारों का तुलू और गुरूब। 316 निदाए मनादी बराए सहर। 318 सेहत बदन और फ़िक्र से निजात। 319 अजीम कुर्ब असीम कसम असबात मतलब के लिए। 322 क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल क़ुरान। 322 अहले बैत पैगंबर नुजूम हकीकी हैं।
اہل بیت پیغمبر نجوم حقیقی ہیں 323، رسول خدا سے منقول ایک روایت 324، شیعوں کے دلوں میں ان کا قبرستان ہے 325، قرآن کریم کریم کی طرف سے نازل ہوا ہے 328، کرم قرآن کی دلچسپ داستان 329، عقیدہ شفا قرآن کے بارے میں ضعیف ہے 330، کرم قرآن پر ثواب 330، آیت الکرسی کے عجیب آثار 331، قرآن سے شفا حاصل کرنا 332، مسئلہ تحریف قرآن 335، نفس خبیصہ قرآن کے باطن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا 336، احترام قرآن 337، امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہیں 338، مراتب تزکیہ 340، تکبر فخر اور ہوائے نفس نجاسات باطنی ہیں 341، کینہ حسد اور دشمنی دل کی بیماریاں ہیں 342، شہوت رانی 343، غفلت مثل شراب نجس ہے 344، مومن خالص گناہ نہیں کرتا 345، باطنی نجاسات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے 346، تکبیر کا متحر تواضع انکساری ہے 347، رسول پاک کی تواضع اور انکسار 348، کینہ اور دشمنی کا متحر یقین اور خدا پر اعتماد کامل ہے 348، برتری کی طلب 349، بہشتی ظلم و برتری نہیں رکھتے 350، شہوات کا متحر روزہ 350، یاد الہی سے غافل انسان 352، پاک لوگوں کے علاوہ کوئی اس کے معنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا 354، اچھی کلام متکلم کی اچھائی پر دلالت کرتی ہے 356، مشرقین قرآن کو بہت معمولی سمجھتے ہیں 357، کافر قرآن کی تکذیب کرتے ہیں 358، بارش کو آسمان سے سمجھنا تکذیب خدا ہے 358، سقوط ستارگان کا تعلق موت و حیات سے نہیں ہے 361، شکر منعم واجب عقلی ہے 362، رزق کیا ہے اور شکر کیا ہے 363، روزی دینے والا صرف خدا ہے 364، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دانت کے درد کی دوا 364، روزی پر راضی اور خوش ہونا شکر خدا ہے 365، داؤد کا بہشتی ساتھی 365، عمومی نعمت کی طرف توجہ ہی نہیں 367، نعمت کو شمار کرنا شکر نعمت ہے 368، نعمت سے اس کا دل خوش ہوتا ہے 368، نعمت کی عطا کرنے والے پر خوش ہے 369، نعمت قرب الہی سے دور نہ کرے 370، نعمت سے اس کے مورد میں استفادہ کریں 370، علم فقہ نعمت کے صرف کرنے کی تشخیص 371، امام سجاد علیہ السلام کا حشام کو نصیحت کرنا 372، روزی کو خدا سے نہ سمجھنا کفر ہے 373، قبض روح لطف الہی ہے 373، جان کنی کی حالت میں خدا تمہارے نزدیک ہے 374، رحمت خدا سے ملاقات کی خوشی 375، انسان بالقوا تمام عوالم کا درک رکھتا ہے 377، انکار غیب کو کوتا فکری کی دلیل ہے 378، اگر منکر قیامت ہو تو پھر محتضر کی روح واپس پلٹا لو 380، سلیمان کو بھی مہلت نہ ملی 381، لوگوں کی موت کی تین قسمیں 383، کاش دوستوں کو علم ہوتا 385، اصحاب یمین کی سلامتی کی موت 386، حسین علیہ السلام کی کامیابی روزے عاشورہ ہے 386، روز قیامت مقربین کے لیے جنت نعیم، سلامتی 387، سلامتی اصحاب یمین اور علامہ ہلی کا خواب 388، اسرائیل علیہ السلام کی شکل اشخاص کی نسبت سے 390، جہنم کا ایک دروازہ استقبالیہ 390، آیہ مبارکہ فسلم لکا کی تین وجوہات 392، پاک نفوس کا تعلق اصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے 394، حمیم دوزخ کافر کو چکھاتے ہیں 394،
मौत पैगाम है जन्नत या दोजक का 395। अहले यकीन आलिम आलिम वजूद का फल है 397। दानियाल कुएं में शेर के साथ 398। दुनिया की परेशानियों को नूर से आसान करें 399। ईमान ज़्यादा होता है 400। पैगंबरों के यकीन के मरातिब 400। खैरात ईमान को ज़्यादा और गुनाह को कम करती है 401। अज़ीज़ सामईन, यहाँ तक हमने आपके सामने फहरिस्त को बयान कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद किताब का आगाज़ होगा, लेकिन उससे पहले कुछ मुसन्निफ़ के दिल की बातें तमन्नाए जन्नत के हेडिंग्स से यहाँ पे मौजूद हैं और उसके बाद फिर बाकायदा किताब का आगाज़ होगा। पेज नंबर 23 से आगाज़ होगा। अभी हम फ़िलहाल इस पार्ट को यहीं पे मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह ताला इससे आगे की रीडिंग को आपके सामने अगले पार्ट में पेश किया जाएगा। जैसा कि आप समझ गए होंगे फहरिस्त को सुन के कि ये किताब जिसका नाम जन्नत है दर हकीकत सूरह वाकया की तफसीर है। इंशाल्लाह ताला इसको हम पार्ट टू में इसका मुकम्मल बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।